और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एडसेंस से रिलेटिव, यानी अगर आपकी पेमेंट जो होती है एडसेंस की वो 21 तारीख को जो होती है वो रिलीव हो जाती है, गूगल हमें रिलीव कर देता है कि भैया आपकी 4-5 दिन में आपके अकाउंट में आ जाती है। लेकिन अगर सपोज करके नहीं आती है, गूगल ने आपको भेज दिया है लेकिन तब भी आपकी पेमेंट अकाउंट में नहीं आती है, आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपकी पेमेंट ही रिलीव नहीं हुई गूगल की तरफ से, तो आपको क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको हेल्प मिल सकती है। जो दोस्तों होता है हमारा एडसेंस का जो पेमेंट का सीन होता है वो जो होता है 1 महीने के बाद हमारी 11 तारीख को अकाउंट में ऐड होती है, यानी गूगल एडसेंस के अकाउंट में, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 11 से 12 तारीख को ऐड होती है। और दोस्तों उसी महीने की 21 से 22 तारीख तो ये हमारे जो गूगल होता है वो रिलीव कर देता है अपने सिंगापुर से, और 4-5-6 दिन के बाद हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती है। लेकिन इस बार की जो पेमेंट आई थी मेरी नवंबर की वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली थी। 21 तारीख को गूगल की तरफ से तो रिलीव हो गया था, मेरे को रिसिप्ट भी मिल गई थी, लेकिन दोस्तों मेरे को पेमेंट जो मिली है वो 2 तारीख को मिली है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद। दोस्तों बीच में मैंने किया क्या है या फिर आपको क्या करना चाहिए, तो कम्प्लीटली गाइड आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको एडसेंस के बारे में ज़रूर पता होता है, और दोस्तों के हमारी जो 1-1 रुपये की कीमत जो होती है वो एक यूट्यूबर ही जान सकता है, तो कम्प्लीट जानकारी जानते हैं इस वीडियो में, तो बने रहें हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले कि भैया अगर आपकी पेमेंट जो होती है वो रिलीव हो गई है, सपोज़ 21 तारीख को आपकी पेमेंट जो होती है वो गूगल ने रिलीव कर ली, तो आपको करना क्या है। तो दोस्तों लगभग 25 से 26 तारीख 27-28 तारीख तक तो मिल जाती है आपको पेमेंट, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो आपने करना क्या है। अगर आप एक यूट्यूबर क्रिएटर है तो आपको जो होता है डायरेक्ट YouTube टीम से चैट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। आपने करना क्या है, आपने जाना है अपने YouTube स्टूडियो में, वहाँ पर जाके अपना चैनल माय चैनल पे क्लिक करना है, और वहाँ पर नीचे आपको राइट साइड लेफ्ट साइड दिखेगा हेल्प का ऑप्शन, उसमें आपने क्लिक करना है YouTube टीम क्रिएटर को। और दोस्तों वहाँ से वो एक आपका जो मैसेंजर है वो एक तरह के क्रिएट कर देता है, वो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन पूरी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने किया था, मेरे को दोस्तों लगभग पेमेंट आई थी 2 तारीख को, तो मैंने कंप्लीट गाइड उसमें किया था जैसे कि आप देख रहे होंगे चैट में, तो मैंने उनको कहा कि मेरी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। तो उनका मानना ये है कि लगभग 15 दिन का आपको इंतज़ार करना चाहिए आपकी पेमेंट के लिए। अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो मैंने 30 तारीख को लगभग किया था, उन्होंने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था तो कि 15 दिन के अंदर आपको मिल जाती है, लेकिन मुझे 2 तारीख को लगभग मिल गई थी ये पेमेंट। इसमें दोस्तों होता क्या है, आपको इस तरीके नवंबर की जो पेमेंट आई थी बहुत डिले आई थी, क्योंकि 21 तारीख को आपका सैटरडे हो गया था, फिर 22 को संडे हो गया था, फिर बीच में 4-5 दिन का हॉलीडे भी हो गया था। ये जो 5-6 दिन काउंट करते हैं वो बिना हॉलीडे के करते हैं, यानी कोई भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आती है। लेकिन अगर आपकी पेमेंट वहाँ से भी रिलीव नहीं हुई है एडसेंस से, अगर आपके एडसेंस में अकाउंट में दिखा रहा है कि आपकी पेमेंट इतनी ही है, उसमें अभी 0 नहीं हुई है वहाँ से, तो आपको घबराने की कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी, आपकी पेमेंट वही रहेगी। हो सकता है थोड़े डिले के बाद वो आपको रिलीव कर दें, या फिर अगले महीने के उसमें काउंट हो जाए, या फिर अगर आपका गलत अकाउंट होगा तो रिलीव होने के बाद भी आपके रिलीव आपके तुरंत आपके एडसेंस अकाउंट में रिटर्न आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो दोस्तों ये था कुछ एडसेंस के बारे में। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो आपको ज़रूर जानकारी होगी एडसेंस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद हमें एक यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर 1 महीने की पेमेंट भी रुक जाती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये था कुछ दोस्तों एडसेंस के बारे में, थोड़ा बहुत गाइड जो मैंने आपको किया है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ टॉपिक छूट गया हो या फिर मैंने नहीं बताया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर उसमें ज़रूर करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी का उसका, तो आप उसमें वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता है नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।